रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। इसके बाद सीएम बघेल ने दुर्ग जिले को 253 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाटन, सांकरा, दुर्ग और भिलाई में कुल 253 करोड़ 61 लाख रूपये की लागत वाले 39 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्वविद्यालय से राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार स्वावलंबन के नए द्वार खुलेंगे। उद्यानिकी विश्वविद्यालय में हर साल करीब 600 स्नातक और 100 स्नातकोत्तर और 50 पीएचडी विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। नेहरू जी की जो कल्पना थी, आधुनिक तीर्थ के रूप में भिलाई को विकसित उन्होंने किया और भिलाई जहाँ स्टील उत्पादन के नाम से जाना जाता है, वहीं शिक्षा, खेल और कला और साहित्य, संगीत के नाम से भी जाना जाता है। और आज आप लोगों ने गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के चित्रांकन भी किया और सभी कलाकारों के से मधुर गायन भी कराया और भिलाई के सभी जो प्रमुख स्थल है उसको भी इससे कनेक्ट किया, बहुत सुंदर बन पड़ा है। और प्रभंजय जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, सभी कलाकारों को, संगीतज्ञों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।